पता लगा कि खून बढ़ाने की दवाई थी, क्योंकि सांस भी हमारी ठीक होगी ना, कोई सांस की दवाई खानी पड़ती है, ठीक है। पर खून जब भी आपका किसका कम है तो आपको ये लगेगा कि थकान है, सांस उलटी है चलने पे, काम करने का मन नहीं करता, आलस रहता है, ये सब कुछ भी हो तो आपको नज़दीकी अस्पताल में या फिर हमारी जब गाड़ी आती है यहाँ, आपको खून चेक कराना है, कितना ग्राम खून है, ठीक है, यही बताना था। आप ऐसे नहीं करना कि सांस की दवाई खाने लग जाओ, आपको 30 साल की कोई सांस की बीमारी तो नहीं होगी ना, कोई और ही कारण है उसका कि उसको सांस की दिक्कत है, वो होता है खून कम होने की वजह से। यहाँ में आप कुछ काम करने जाओ तो आप काम करने का मन नहीं करेगा, खून कम हो जाएगा, तो थकान जल्दी होगी। आप तो चलना चाहोगे, आपको लगेगा तो फिर बैठना पड़ेगा, मेरे से नहीं चला जा रहा, ये सब कुछ होते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा हो कि उम्र आगे क्या है कि 40 साल पे ही आपको अगर सांस की दिक्कत हो गई, 30 साल की उम्र पे सांस की दिक्कत होगी, तो ये सांस की दिक्कत ही है, दूसरा कहीं खून कम आया। अब खून कम कैसे हो सकता है, जो बवासीर होती है ना, बवासीर उसमें भी खून निकलता है पट्टियों के साथ, लेटरिन के साथ, तो उससे खून कम हो जाता है। अगर किसी को बवासीर है तो उसे जाके दिखाना चाहिए, खून चेक कराना चाहिए कि मेरे में कितना ग्राम खून है, क्योंकि बवासीर के साथ खून निकलता है। कईयों को पेट में अगर थोड़े से कीड़े जैसे हो जाते हैं ना, जो होते हैं वो भी खून चूसते हैं, जैसे छोटे बच्चों में खून कम होने का कारण पेट के कीड़े होते हैं। महिलाओं में क्या होता है, जैसे महीना आता है तो जो ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, उससे भी खून कम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम खाते हैं तो कईयों को भूख कम लगती है, घट लगती है भूख, तो उससे भी खून कम हो जाता है, ये कारण होते हैं। पर खून जब भी आपका किसका कम है तो आपको ये लगेगा कि थकान है, सांस फूलती है चलने पे, काम करने का मन नहीं करता, आलस रहता है, ये सब कुछ भी हो तो आपको नज़दीकी अस्पताल में या फिर हमारी जब गाड़ी आती है यहाँ, आपको खून चेक कराना है।